बीते 7 सितंबर को न्यू बांधपाड़ा सेंट्रल जेल के पीछे एक आदिवासी छात्र का शव बरगद के पेड़ से झूलते हुए पाया गया था। सूचना मिलने पर आदिवासी क्रांति सेना के सदस्यों ने घटनास्थल पर जाकर मृत छात्र के परिजनों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली। मृत छात्रा की बहन का आरोप है कि उनके भाई की किसी ने हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए गमछा के सहारे शव को पेड़ में लटका दिया है, क्योंकि जिस गमछा से उसे फांसी का फंदा बनाकर टांगा गया था वह घर का नहीं है। ज्ञात हो कि कुछ दिनों से दुमका जैसे शांत क्षेत्र में दिन प्रतिदिन इस तरह की जघन्य घटना हो रही है, जिससे छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके परिजन काफी डरे समय हैं तथा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पिछले 18 दिनों में दुमका में 4 बड़ी घटना हुई है। पहली 20 अगस्त को ऑटो चालक द्वारा एक आदिवासी किशोरी का बेरहमी से मारकर पेड़ तोड़ दिया था। दूसरी घटना जरुआड़ी की किशोरी के साथ घटती है, जिससे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसके पश्चात तीसरी घटना श्री अमड़ा के एक आदिवासी किशोरी के साथ रेप कर हत्या की जाती है और आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ पर टांग दिया जाता है। और चौथी घटना आदिवासी छात्र का पेड़ से लटकता शव मिलना। उक्त घटनाओं को लेकर 5 सितंबर को समस्त आदिवासी संगठन के द्वारा दुमका बंदी और चक्का जाम का आह्वान किया गया था, जो कि पूरी तरह सफल रहा। मृत आदिवासी छात्र के आत्मा की शांति के लिए आदिवासी क्रांति के सदस्यों ने सिद्धो कानू मुर्मू चौक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके साथ साथ शासन प्रशासन ने इस घटना को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की, साथ ही साथ आम लोगों से भी सावधान व सतर्क रहने की अपील की है, जिससे इस प्रकार की घटना से बचा जा सके। कार्यक्रम में आदिवासी क्रांति सेना के सदस्य विशाल मरांडी, मुकेश RDX टूडू, श्यामदेव हेमरम, राजीव बास्की, सीमांत हांसदा, प्रेम हांसदा, डॉक्टर सुलीन मरांडी, सुभाष मुर्मू इत्यादि कई लोग उपस्थित थे। स्वदेश वाणी के लिए दुमका से बसंत भालोटिया की रिपोर्ट। तो क्या हो जा रहा है कि हर दिन आप इस तरह का घटनाएं देखने को मिल रहा है, और खास करके आदिवासी बेटी आदिवासी बेटों पर खास कर टारगेट हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ आज आदिवासी क्रांति सेना एवं दुमका के संवेदनशील लोगों के द्वारा आज हमारे भाई सोहन साहिल सोरेन को अस्त्रपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और सरकार से हम सभी सरकार से या प्रशासन से उनके न्यायिक जांच की मांग करते हैं। और दिन प्रतिदिन ऐसी घटना देखकर सच में हमारा मन मर्माहत है, और बहुत दुखद है कि आने वाले समय में इस तरह जिस हिसाब से यहाँ दुर्घटनाएं घट रही है, जिस हिसाब से यहाँ हर एक घटना घट रही है, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की या प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही को दर्शाता है। तो सरकार से हम सभी मांग करते हैं कि इनकी न्यायपथ जांच हो और जल्द से जल्द दोषी को खड़ी कर। क्या लग रहा है कि इसकी हत्या असुनियोजित तरीके से की गई है या कोई और मामला नहीं जा रहा है? जिस हिसाब से उनकी बहन ने बताया उस हिसाब से तो ये एक साजिश के तहत हत्या लग रही है, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। और सरकार से निष्पक्ष रूप से अगर सरकार जांच करती है तो जल्दी जल्द किसी गिरफ्तारी वगैरह हुई है? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, पर कुछ अज्ञात लोगों के साथ बात उन्होंने हिरासत में लिया है, तो बातचीत चल रही है। आप लोगों की कोई मांग भी है इसके परिवार के प्रति? सबसे पहले तो न्यायिक रूप से जाँच हो, उसके बाद परिवार के साथ हम लोग हर घड़ी हर दुख में हर सब पूरा क्रांति सेना और सभी लोग हमारे सभी साथी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।